कड़ी सुरक्षा के बीच रामनवमी शोभा यात्रा का शुरुआत हुआ। बता दें कि रामनवमी शोभा यात्रा में भीड़ को देखते हुए अरवल जिला प्रशासन की ओर से जगह जगह पर पुलिस चप्पे चप्पे सुरक्षा की दृष्टि से लगाई गई थी। जहां तहां सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही थी, वही जिला प्रशासन की ओर से पूरे शोभा यात्रा के दौरान ड्रोन कैमरा का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। इससे पहले बता दूं कि रामनवमी शोभा यात्रा बद्राबाद से निकलते हुए अरवल बस स्टैंड से होते हुए मोथा तक इधर गई, उसके बाद वासिलपुर होते हुए सकरी तक शोभा यात्रा गया, उसके बाद पुरानी अरवल होते हुए संवेदनशील एरिया में, खास करके संवेदनशील एरिया में पुलिस की पुख्ता व्यवस्था देखने को मिली। जगह जगह गली चौक चौराहे पर फोर्स की व्यवस्था थी। इस तरह से ज़िले में शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी शोभा यात्रा सम्पन्न हुआ। मैं हर साल की भांति उधर तो दो साल से कोरोना के वजह से स्टॉपेज था, और इस बार भी रामनवमी पूजा जो है त्यौहार धूमधाम से मनाया गया और शांति तरीके से सौहार्द वातावरण में मनाया गया। और मैं तमाम जो प्रशासन के लोग हैं हमारे, खास करके एएसपी रोशन सर को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरह से अरवल ज़िले को कमान संभाले हुए हैं, किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटने से पहले जो पुलिस का जो तैनाती है, अरवल प्रशासन जो पूरे चप्पे चप्पे पर मुस्तैद था और झांकी भी बेहतरीन तरीके से निकला और कहीं भी किसी तरह का जो है हुड़दंग नहीं हुआ। और मैं चाहता हूं कि भविष्य में जो भी है, मैं किसी धर्म और जाति विशेष और देवी देवता का मैं विरोधी नहीं हूं, मैं विरोधी हूं तो आडंबर, अंधविश्वास, पाखंड और दिखावा जो होता है लोग करते हैं उसका मैं विरोधी रहा हूँ, न कि मैं राम आदर्श पुरुषोत्तम पुरुष रहे हैं। मैं तो चाहूँगा कि राम जो झांकी निकला है हर साल की तरह निकलता है, हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले बार श्री कृष्ण जन्म अष्टमी पर इसी तरह से पूरे पैमाने पर जिला में श्री कृष्ण अष्टमी पर झांकी निकाला जाए कृष्ण के, और इसी तरह से लोग
और हमारे अरवल के जो भी बुद्धिजीवी है, तमाम सारे नेतागण हैं, सामाजिक न्याय की जो बात करते हैं, मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इसी तरह से किसी भी तरह का जो है हुड़दंग न करे लोग, और हुड़दंग करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई हो। मैं विशेष तौर पर पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देता हूं। मैं रविंद्र कनौजिया, जिला अध्यक्ष पंचायती राज प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय जनता दल अरवल। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के तरफ से मैं पूरे बिहार वासी और अरवल जिला वासियों को रामनवमी के शुभ अवसर पर शांति माहौल बनाए रखने के लिए और जो शांति का प्रतीक अरवल जिला दिया है वो सराहनीय है। मैं सबसे पहले यहाँ के पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक रोशन कुमार जी और जिला अधिकारी महोदय, मैं सभी तमाम प्रशासन को, अरवल को, मैं प्रशासन को हार्दिक बधाई देता हूं और सभी जनता को मैं शुभकामना करता हूं। और इसी तरह सभी जाति के लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी लोग, हमारा पार्टी का लक्ष्य है गरीब हो, गुरबा हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, स्वर्ण हो, सभी जाति भाईचारा बनाए रखें और सभी गरीबों को सहयोग करने के लिए हमारी पार्टी तत्पर है। बहुत बहुत धन्यवाद।